नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, सुनील भैया नमस्ते, शलभ जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी तो अभी इस कड़ी में हम आगे प्रीति जैन दीदी से उनकी बात को सुनेंगे। दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर है SCTR पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दीदी ने उनका पहला वर्कशॉप सितंबर 2020 में किया था। बाद में फिर दीदी ने रिफ्रेशर और UHE2 का भी वर्कशॉप किया है, और लास्ट वीक में जो फेस टू फेस वर्कशॉप पुणे में हुआ था वहाँ पे भी दीदी का सहभाग था। तो दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात को रखें। नमस्कार, नमस्कार सभी को। जैसे आपने बताया, मेरा यस पूरा नाम प्रोफेसर प्रीति आनंद जैन है। मैं प्रॉपर नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ, और पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PICT कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे मैं 19 साल से कार्यरत हूँ। मेरा M.Tech हुआ है, और अभी परिवार में अभी सिर्फ मेरे पापा मतलब श्री आनंद जैन नांदेड़ में है, और मम्मी का लोकांतर गमन हुआ है 7 महीने पहले, डॉक्टर सौ उज्ज्वला आनंद जैन पर है, अस्तित्व में है। और बाकी आप सब जो यहाँ हैं, यहाँ नहीं है, उनको भी परिवार समझ रही हूँ संबंध के भाव से। UHV1 वर्कशॉप हाँ मेरा सितंबर 2020 में हुआ, उसके बाद रिफ्रेशर Part 1 हुआ 20 फेब्रुअरी 2021 में, फिर UHV2 अप्रैल 2022 में हुआ, और ये पहली बार मैं UHV3 मॉर्निंग 5:30 के सेशन में मैं रहती थी। हमेशा बचपन से जो मम्मी पापा ने सिखाया, और घर मंदिर मतलब ये सब आचरण से ये UHV की थ्योरी तो सिमिलर और बन पाई, वही सिखाते थे सब, पर प्रैक्टिकल में तब उतनी पकड़ नहीं बन पाई, मेरा उपयोग उतना नहीं लगा इसलिए। पर ये सुबह के सत्र से गति बन पाई, एक्सरसाइज बहुत ही उपयुक्त थे। और पहले सिर्फ मतलब थेरी थी, सीखा था कि सेल्फ है मानव, मानवीय आचरण सेल्फ है और शरीर है, ये सब अस्तित्व में है, पर वो सिर्फ थेरी पता थी, समझ नहीं थी, मतलब आचरण में नहीं था। फिर धीरे धीरे ये समझने के लिए छोटे छोटे होमवर्क करने लगी, सजग रहने का प्रयास कर रही थी, जो कि ऑन ऑफ था, मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा था। इस पे ज्यादा समझ आ रही थी जब मेरे एक्चुअली 2 सर्जरीज हुए थे ट्यूमर के, तो हॉस्पिटल में जब अकेली थी एनेस्थेसिया के बाद, बाहर आने के बाद, तब याद कर रही थी यस बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, एटलीस्ट ये याद कर पा रही थी, समझ हो रहा था या नहीं पता नहीं। फिर लगा ये थोड़ा होमवर्क जो है अनुकूल परिस्थिति में शुरू करूँ तो शायद प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी अच्छी पकड़ बन पाई। तो फिर दूसरी सर्जरी के बाद मेरी रिकवरी स्पीडी थी, पेन तो था, दर्द तो था, पर रिएक्शन कम था। ये दूसरों को भी दिखा, उन्होंने भी बोला, ऑपरेशन को जाने से पहले ही ये थॉट दे रही थी, तो ये डिफरेंस लगा मुझे। सेल्फ बॉडी को एग्जिस्ट है ऐसा, खुद के लिए और दूसरों को इस आधार पे देखना, मैं अभी उतना नहीं बोल पा रही, उतनी पकड़ नहीं बन पा रही है 100%। पर हाँ, पहले मैं ऐसे बहुत ब्लेमिंग करने का इरिटेट होती थी, टिट फॉर टैट वाली भी ये नेचर में था मेरे, और एक कंप्लेन बॉक्स, ऑलवेज कंप्लेनिंग थी। पर ये बता सकती हूँ UHV से जुड़ने के बाद, अभी ये ब्लेमिंग और वो टिट फॉर टैट और वो कंप्लेन कि इसमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम है, ये निकला है इतने साल में, पूरा निकला, मैं रोज देख तो पा रही हूँ। हाँ, पर इरिटेशन अंदर वो उतना नहीं निकला है, वो है थोड़ा मात्रा में।
बाकी ये कोरोना के बाद से तो जरा ज्यादा ही देख पा रही हूँ कि प्रकृति तो स्वयं में ही सुव्यवस्थित है, अस्तित्व है। ये पहले मैं सबको बता पाती थी, मतलब एक जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते थे, तो, बट ये समझ आया कि मेरे अंदर वो समझ खाली पड़ गई, मतलब एम्प्टी। मेरे आचरण में ये एक्सपीरियंस नहीं आया उतना जब मम्मी को सामने जाते हुए देखा। तो अस्तित्व, सेल्फ एंड बॉडी, ये होमवर्क ठीक नहीं रहा, इसलिए शायद फेल हुआ। पर मैं रोई नहीं, मैं आई वाज ऑल ओके। मतलब परीक्षा की घड़ी थी, पर ये मैंने ऑब्जर्व कर पा रही थी उस वक्त भी कि अरे ये नहीं हो पा रहा है। मैं स्वयं में स्टेबल इतना तो समझ पा रही हूँ कि स्वयं में स्टेबल नहीं तो अमानवीय आचरण हो जाता है। और न इतना अनुभूति हुई कि जिस क्षण, सच मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिस क्षण, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये समझ बन पाती है, इन चीजों पे सही सही समझ बन पाती है, स्व अस्तित्व, सेल्फ एंड बॉडी, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन तो होता ही रहेगा, तो वो क्षण मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही छोटे से छोटा होता है, पर भय मुक्त होता है, फियरलेस बहुत अच्छा होता है। और इसी में रहने का, भय मुक्त और कंटिन्यूअस हैप्पी में रहने का ही तो एस्पिरेशन है। ये एक्सरसाइज 1 2 ये कर रही थी, तो नंबर 1 2 4 6 इस पे समझ बनी है। मतलब ये तो समझ रहा है कि कभी राइट अंडरस्टैंडिंग संबंध के भाव से होते हैं, तो डिसीजन जो मैं लेती हूँ वो काफी कन्विंसिंग और ठीक होते हैं। अभी पर उतना राइट अंडरस्टैंडिंग इनलाइन नहीं हुआ है उतना। और सब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि प्रीति खुद को बहुत बिजी रख, तो इससे तू बाहर निकलेगी। जो अभी इतना उथल पुथल हुई है फैमिली इमरजेंसी या मेरी तबीयत में, और मैं उनको अपोज करती थी, बिजी रखना, ओवरवर्क करना, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये अंदर से सोल्यूशन नहीं है। मतलब मुझे अंदर से समझना है, क्योंकि फिर जब कॉलेज छूट जाएगा, शाम को पूरा बिजी रखा, रात को घर वापस आऊंगी, या संडे को या वेकेशन में, मैं तो पूरा कोलैप्स हो जाऊंगी। वो बाहरी सपोर्ट नहीं चाहिए, अंदर से चाहिए। जैसे मतलब जड़ से निकालेंगे तो बाद में फिर शाम को भी जो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अकेले, तो तब भी मैं ठीक रह पाऊँ। वो जड़ से निकालना जरूरी है। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट रहा वो ऊपर आने का, तब भी मैं आराम में रह पाऊँ, ये मेरा हमेशा था। और उसके लिए मुझे बहुत बहुत प्रयास कर रही हूँ, ऑनेस्ट एफर्ट्स ले रही हूँ सच्ची। और एक्सरसाइज 1 किया, फिर एक्सरसाइज 2, जब जैसे हॉस्पिटल में अकेले रहती थी ट्रीटमेंट के दौरान देख पा रही थी, उस दौरान 6 नंबर पे जो एक्सरसाइज 2 है उस पे ध्यान गया, ऑन ऑफ रही, और 7 नंबर वाली जो है उस पे समझ बनी रही मेरी। UHV 3, मतलब पिछले 4 महीने से जो मैं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ पकड़ बनी है नॉर्मल रूटीन में, पर फिर जब इसी दौरान UHV 3 चलते वक्त पापा को सुबह सुबह ICU लेके जाना पड़ा, औरंगाबाद लेके जाना पड़ा, तो देखा कि भय है, ऑन ऑफ है। ऑन लंबे समय तक था, और वो सजग रह पा रही थी अपन, तब भी मैं मॉर्निंग सेशन को थोड़ा लगाती थी, क्योंकि मुझे उसमें रहना था। और स्पाइक था, जब भी ऑफ हो रहा था तो स्पाइक था भय का, पर थोड़े देर के बाद खुद को सजग करके उस स्पाइक को थोड़ा कम लेके आ पा रही थी। तो इस पे अभ्यास करना जरूरी है, जिम्मेदारी से तो है, डेली कम्युनिकेशंस में ठीक ठीक हो पा रहा है आवश्यक। तो बचपन से ही मम्मी पापा, मैंने कहा ना, थेरी सेम ही सिखाते थे मम्मी पापा, तो आवश्यकता पर ही हमने अभी तक शॉपिंग की है।
ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है या फिर ऐसे कुछ, पर कभी फ्रिज का वापर नहीं किया, मतलब घर में फ्रिज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रात्रि भोजन भी नहीं। अभी बाहर रहती हूँ तो मोस्टली नहीं होता है, पर कभी कभी करना पड़ता है। व्हीकल्स नहीं हमने जरूरी समझा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हमेशा लेते थे। और खुद का घर लेना, मतलब ऐसे अटका के रखना नहीं लगा कि ना कोई पेट्स पाला, रेंट के ही इस पे, घर पे कूलर नहीं है, जबकि नांदेड़ जैसी जगह पे रहते, वहां गर्मी वगैरह है, पर जरूरत नहीं लगी। सच्ची खुश रह पाए हम निसर्ग के साथ, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स रहे हैं नैसर्गिक। फिर से बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि पैसे की कमी थी या कंजूसी है, क्योंकि जहां जरूरत है या स्वास्थ्य पे बनाई है, तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे भी मैंने ऑटो रिक्शा किए। मतलब अगर रोड भी क्रॉस करना है जो जरूरी है, हम कई बार सोचते हैं अरे रोड तो क्रॉस करना है, यहीं उतर जाते हैं, नहीं, तब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। स्वास्थ्य को लेके जैसे गर्म पानी पीना, ये हमेशा पापा सिखाते हैं। मेरी भागीदारी, मतलब पहले सर्जरी के पहले एफएक्यू टीम में रेगुलर थी, वीडियो रजिस्ट्रेशन में भी वॉलेंटरी रेगुलर थी, अभी नहीं, बंद ही हो गया था। लेकिन सर्जरी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। अभी जैसे यशवंत सर जी ने बताया, हाँ कॉलेज में परसों ही ऑफलाइन फेस टू फेस वर्कशॉप कंप्लीट किया, मैं एलपीसी थी। उमेश सर जी, अपराजिता दीदी, रेवती दीदी, अनीता दीदी, अमिता दीदी, इनसे काफी काफी सीखने मिला। और आगे की भागीदारी, वॉलंटियरिंग करना चाहूंगी, मैं भूली नहीं हूं, पर मैं सचमुच अभी कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगी। तो ये सब प्रयास के लिए मैं आप सभी टीम को नमन करती हूँ। अभी मेरी तरफ से मैं इतना ही रख पाई हूँ। ठीक है, मैं भी कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया अपनी हमें गाइड करें। भैया ऑल टू यू। जी पुनः सभी को नमस्ते। प्रीति जी ने जो शेयरिंग की, बढ़िया शेयरिंग रही। जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थिति में गुजरते हुए वो अपने आप को ऑब्जर्व करती रही हैं। अभी आपने शायद पहला ही बैच अटेंड किया है मॉर्निंग सेशन का, परंतु फिर भी आपका कई मुद्दों पे ध्यान गया है। दीदी आपने अभी तक कितने वर्कशॉप्स किए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? प्रीति जी जी वही ऑनलाइन में UHV 1 किया, रिफ्रेशर पार्ट 1, UHV 2 किया, और ये UHV 3 के कंटेंट शेयरिंग। ऑफलाइन में मैं एज अ LPC थी, पर मैं पूरा समय थी, ये UHV टीम ने भी बोला, उस तरह से मैंने काम ऑर्गेनाइज कर दिए थे जो परसों समाप्त हुआ, पर अच्छा मैं अच्छा ठीक UHV 3 दोबारा करूँगी। जी, बढ़िया दीदी। तो मतलब अच्छी गति है, मैं कहूँगा। आपने पहला वर्कशॉप कब किया था? पहला सितंबर 2020 में ऑनलाइन कोरोना के अच्छा टाइम। अच्छा ठीक है बढ़िया। तो कंटेंट को थोड़ा सा और स्टडी कर ले तो, और उसकी बारीकियों पे ध्यान देगा। UHV 3 में हम लोगों ने बहुत फैल कर पूरे प्रस्ताव पर चर्चा की है, मानव को लेकर, प्रकृति को लेकर, अस्तित्व को लेकर, और उसके आधार पर जीने में, आचरण में जो परिमार्जन होना है उसको लेकर। तो उसको और थोड़ा आप स्टडी कर लें। ऑलरेडी आप ध्यान दे रही हैं बहुत सारे मुद्दों पे, और भागीदारी का भी बहुत सारा अवसर आपके पास बना हुआ है। ऑलरेडी आप LPC रही हैं, मतलब लोकल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अपने कॉलेज में। तो आपके कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन सेल बन चुका है अभी तक? नहीं बना है, पर सर से, उमेश सर से काफी डिस्कशन किया और उस गति में अभी चलना है। काफी सजेशन मतलब दिए हैं सर ने, वो पॉइंट्स पे शुरू करना है। जी, तो ये जो अगला बैच शुरू हो रहा है, इसके लिए आप अगर पहले से बना लेंगे तो जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम आपके यहाँ होना है, ज़्यादा विधिवत हो पाएगा। आपको 5-6 लोगों की एक टीम भी मिल पाएगी। और आपके कॉलेज से अभी तक कितने लोगों ने कर लिया है वर्कशॉप? अभी तक कॉलेज से, मतलब ये वर्कशॉप के पहले कुछ 83 थे, और अभी ये अच्छा, वर्कशॉप में 37, नहीं 40 जुड़े थे, 33 प्लस 40। बहुत ही सुखद है दीदी। 120 जी से ऊपर लोग हैं। तो हाँ, ये जो 40 लोग थे, ये सब नए थे या जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन किया था उन्हीं में से थे? अच्छा नहीं सब नए थे, दो ही पहले के थे, दो अच्छा या बहुत तीन। अच्छा। तो आपके यहाँ कॉलेज में तो बहुत ही सुखद संभावना है, उसका ठीक से सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी गति बनेगी। आपका कॉलेज नोडल सेंटर के रूप में भी इवॉल्व कर सकता है।
जी, मुझे उसी के लिए मदद चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन के लिए। जी, कभी अलग से भी बात कर लीजिए, उमेश भैया से बात कर लीजिए, हाँ और इस पे है ना, तो हम लोग इसे नोडल सेंटर कैसे बनाया जाए उसके बारे में विचार कर सकते हैं। और जैसे आपने जो घटनाएं बताई, तो एक तो जैसे बीमार पड़ने को पिताजी और माता जी के बारे में आपने बताया, परंतु कुछ और आपको दिखाई दिया होगा, सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान में क्या फर्क पड़ा है, संबंध में जैसे आपने वो बताया कि इरिटेशन और इनर रिएक्शन वगैरह चलते थे परंतु उसमें परिवर्तन हुआ है, सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान के बारे में कुछ बताएंगे, पहले हम किस रूप में सोचते थे और अब कैसे सोचते हैं। सर, पहले इरिटेशन था और फिर मैंने ये सब ज्वाइन करने के बाद हॉस्पिटल में भी इरिटेशन के बहुत मौके थे, क्योंकि उतना ठीक से भी ये नहीं हो पाता था सिस्टर से या डॉक्टर से भी, मतलब बोलना नहीं चाहिए पर होते थे मिस्टेक। पर मैं बहुत ऐसे खुद को ये पहले समझ के फिर बोलती थी या अंदर जाती थी डॉक्टर से बात करने को, तो वो मैंने दिख पाया, क्योंकि इस वक्त बहुत इजीली मेरा इरिटेट होना हो सकता था, पर सच में ये मैंने देखा कि नहीं हुई एक बार भी। पर ये भी फिर देखा बाय एंड ऑफ द डे कि ये मैं नहीं हो रही हूँ क्या इसलिए कि अरे बाबा मम्मी वहाँ एडमिट है उनका ठीक हो इसलिए, या मुझ में सच में समझ आई है इसलिए। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि बेस तो कुछ गलत नहीं है, भैया और समृद्धि सुविधा का मुझे के भाव समझा को लेकर नहीं। कुछ शेयर करेंगे, समृद्धि के भाव में किस तरह से परिवर्तन आया है। हाँ, मैंने वही बताया कि बचपन से जो बता रहे थे, तो मैं ऐसे ज्यादा फिजिकल चीजें फैसिलिटी घर पे नहीं है, और रीजन ऐसा नहीं कि कुछ कंजूसी, पर मैं खुद को हम सभी प्रॉस्परस समझ पा रहे थे कि नहीं जरूरत है, और भागीदारी थी समाज में शेयरिंग की वगैरह हर फैसिलिटी केस में, पर सत्पात्र दान इस तरह से हमने काफी देखा, डिप्राइव्ड नहीं फीलिंग किया। हाँ, पर ऐसे गुणी लोगों को देख के जरूर लगता था कि या ऐसे पहले होना चाहिए। मैं आयु को लेके करती थी, ये पहले समझ होता तो यूएच भी पहले आता तो ये पता नहीं ये डिप्राइव्ड है या क्या, मतलब इस चीज को, पर नहीं ऐसे लगा कि फिजिकल जी, बहुत ही बढ़िया समृद्ध जी, फील। बहुत ही बढ़िया जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।